गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला। इन योर सिक्स स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 10 मेंजुरेशन। इन दैट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी ऑलरेडी फिनिश्ड। इन अवर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 10.1। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10.2 इन अवर एक्सरसाइज इन अवर पार्ट नंबर 3। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 1। Find the area of the following figures by counting square. Area find out करना है, but which method we have to use here? Counting square. Square हमें count करने हैं कि कितने number of square cover किए हैं जो भी figure इधर आपको दी है। तो हम A से इधर start करते हैं। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा? In this type of example, first of all you have to draw one of the table. Table में आपको कैसे draw करना है? तो covered area. आपको इधर दिख रहा है कवर्ड एरिया, इसमें आप फर्स्ट क्या लिखोगे? फुल्ली फिल्ड और अदरवाइज फुल्ली फिल्ड एंड मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर। ये दोनों हम साथ में क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों में आपको मल्टीप्लाई बाय वन करना है। जितने नंबर ऑफ स्क्वायर आते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय वन करना है। इधर देखो वन इज देयर बट हियर बाय मिस्टेक 11 इज रिटर्न। So this one is 1, 1 is 1, same here 7, 1 is 7 and next one is there कि half filled square। अगर कोई आधे square है इसमें तो उसके लिए आपको multiply, अगर इधर 8 boxes है तो उसका आधा कर देना है, तो 4, 6 है तो 3, 10 है तो 5। दिस वे यू हैव टू काउंट इट हियर। हाफ फिल स्क्वायर आते हैं तो उसके आधे कर देना है, फुल्ली फिल एंड मोर देन हाफ फिल स्क्वायर आते हैं उनके लिए मल्टीप्लाई बाय वन करना है। तो ये दोनों हम साथ में लेते हैं और लेस देन हाफ फिल आता है तो वो हम इधर जो रो है वो हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो आंसर मिलेगा जीरो। तो फर्स्ट नंबर के लिए हम देखते हैं तो फुल्ली फिल या तो मोर देन हाफ फिल, ऐसे स्क्वायर कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल फुल्ली फिल और मोर देन हाफ फिल, ऐसे टोटल 9 स्क्वायर है। इधर तो आपको फुल्ली दिखते कोई मोर देन हाफ वाले नहीं, कंप्लीटली फुल्ली है। तो कितने हैं? टोटल 9 स्क्वायर है। तो हम उसको लिखेंगे कैसे अभी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू ड्रॉ टेबल। टेबल में क्या होगा? तो कवर्ड एरिया, नेक्स्ट वन इज नंबर, एंड लास्ट वन इज एरिया। नाउ सो फर्स्ट नंबर है, जैसे मैंने आपको इधर बोला फुल्ली फिल्ड एंड मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वेयर्स। फर्स्ट आप क्या लिखोगे? फुल्ली फिल्ड एंड मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वेयर्स। सो इसमें कितने हैं? तो आपने देखा इधर के 9 स्क्वायर थे, तो 9, 1 इज 9। तो एरिया क्या मिलेगा आपको? इन स्क्वायर मीटर, इन स्क्वायर सॉरी मीटर नहीं है, यूनिट्स, इन स्क्वायर यूनिट्स। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इधर जो भी एरिया मिलेगा इन स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट कॉलम है सॉरी नेक्स्ट रो आएगी हाफ फील्ड स्क्वेयर्स। तो हाफ फील्ड स्क्वेयर है एक भी इधर नहीं है, तो इधर क्या लिखोगे? जीरो। तो इधर भी आएगा जीरो। ऐसे आपको एक टेबल इधर बनाना है, अच्छे से पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है एंड लास्ट में आप इधर क्या करोगे? टोटल एरिया कितना मिलेगा? तो टोटल एरिया इज इक्वल टू ये जो लास्ट वाली कॉलम है आपकी एरिया के, उसमें जितने भी नंबर है 9 एंड 0 दोनों का क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। दिस वन इज योर आंसर। वैसे ही सेकेंड बी आपको होमवर्क में करना है। सी नंबर का मैं आपको इधर समझाती हूँ। फिर से आप ऐसा एक टेबल बना दो, फर्स्ट आएगा कवर्ड एरिया, नेक्स्ट वन इज नंबर एंड लास्ट वन इज एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। नाउ कवर्ड एरिया इन दैट फर्स्ट नंबर इज देयर
fully filled and more than half filled square. सेकेंड है वाई की आपकी रो है वो हाफ फील्ड स्क्वायर. अभी ये दोनों में आपको लिखना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करते हैं सी नंबर की आपकी जो फिगर है, तो वहां पे आप देखो फुल्ली फील्ड कितने हैं, तो वन एंड टू ये दोनों फुल्ली फील्ड है. बाकी सब कैसे है, आधे आधे आपको दिखते हैं फिगर में, बाकी सभी देखो वन एंड टू फुल्ली फील्ड है, मोर देन हाफ वाले एक भी नहीं है. तो टू हम लिखते हैं फुल्ली फील्ड में या तो मोर देन हाफ फील्ड में, एंड टू वन इज टू. नाउ नेक्स्ट वन है हाफ फील्ड, तो हाफ कितने हैं, तो एक आधा है वन, एक ये आधा है तो टू, एक ये वाला आधा है तो थ्री, एंड एक ये वाला आधा है, तो टोटल कितने हैं हाफ फील्ड स्क्वायर भी फोर है. तो आप इधर क्या करोगे, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका आधा कर दो, तो फोर डिवाइड बाई टू करो तो क्या आंसर मिलेगा, टू. तो आपका टोटल एरिया कितना होगा, तो लास्ट में आप लिखोगे टोटल एरिया इज इक्वल टू टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर स्क्वायर यूनिट्स. दिस वन इज योर आंसर. नाउ यूजिंग दिस सेम मेथड यू हैव टू सॉल्व डी ई एफ जी एच आई जे के, वहाँ तक आपको होमवर्क में करना है. सेम मेथड है जो मैंने आपको ए एन सी करवाया, वही मेथड के तक आपको एग्जाम्पल दिए हैं. नाउ एल नंबर, एल नंबर इन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेबल बना देंगे इधर, क्योंकि स्क्वायर काउंटिंग वाली मेथड में फर्स्ट क्या आता है, टेबल ही आता है. नाउ फर्स्ट नंबर फुल्ली फील्ड एंड मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर. सेकेंड क्या आएगा, हाफ फील्ड स्क्वायर. नाउ कितने नंबर ऑफ स्क्वायर ऐसे है जो फुल्ली है या तो फिर हाफ से ज़्यादा है, तो आप इधर देख सकते हो फिगर में, इधर जो आपको फिगर दी है कम्प्लीटली कवर हो जाना चाहिए या तो फिर आधे से ज़्यादा होना चाहिए. तो अभी आप काउंट करो इधर, तो इधर कितने हैं, तो वन, ये मोर देन हाफ है तो उसको भी काउंट कर देना है साथ में, ये फुल्ली है तो टू, क्योंकि फर्स्ट आपकी रो है उसमें आधे से ज़्यादा वाला भी आता है और कम्प्लीटली फुल्ली कवर्ड भी आता है, तो वन टू ये भी आधे से ज़्यादा है, दिख रहा है आपको फिगर में, तो थ्री, इधर है फोर फाइव सिक्स, ये आधे से ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो सेवन, और ये भी आधे से ज़्यादा है तो एट. तो आधे से ज़्यादा वाले कितने स्क्वायर है, एट, तो एट वन इज एट. अभी हाफ फील्ड, तो कोई आधा आपको दिख रहा है इधर, तो ये फिगर आप देख सकते हो इसमें कोई आपको आधा नहीं दिखते, सभी क्या दिखते हैं आधे से कम वाले हैं, तो इधर जीरो और तो इधर भी जीरो. तो टोटल एरिया कितना होगा, एट प्लस जीरो इज इक्वल टू एट स्क्वायर यूनिट्स. देन आफ्टर एम नंबर, सेम ही फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल आएगा आपका इधर, सेकेंड कॉलम आएगी नंबर की और लास्ट वाली एरिया की. नाउ इन दैट इसमें भी फर्स्ट कौन सा आएगा, फुल्ली फील्ड एंड मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर. सेकेंड कॉलम आएगी हाफ फील्ड स्क्वायर. नाउ फुल्ली और मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा वाले ऐसे कितनी है टोटल, तो काउंट करो इधर से, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन है हाफ मोर देन हाफ वाले और हाफ से ज़्यादा वाले हैं. तो 14 मीन्स उसका एरिया भी क्या आएगा, 40. अभी आप वो फिगर में देख सकते हो कोई आधा नहीं है, कोई स्क्वायर आपको आधा नहीं दिखता है, तो हाफ फुल स्क्वायर में कितने आएगा, हाफ फील्ड स्क्वायर में जीरो. तो टोटल एरिया कितना होगा,
14 plus 0 is equal to 14 square units. Now here you exercise, n number is there, n number it's in your homework. Using this same method you have to solve n number also. Now here your exercise 10.2 is finished. Now we have to start our new exercise. Exercise 10.3 continue in this video. So first of all, exercise 10.3, in that you have to given here, find the areas of the rectangles whose sides are, आपको फर्स्ट दिया है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों डिफरेंट होती है. तो लेंथ आपको दी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 4 सेंटीमीटर. वैसे इधर आपको सब में इधर दिया है, अलग अलग आपको मेजरमेंट दिया है लेंथ एंड ब्रेथ का. आपको यूजिंग फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व इट हियर. जो मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो भी दोनों दिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हियर कि दोनों के यूनिट सेम है कि नहीं है. इधर सेंटीमीटर तो इधर भी सेंटीमीटर, इधर मीटर तो इधर भी मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर. बट इधर देखो मीटर एंड सेंटीमीटर, जहाँ पे दोनों यूनिट डिफरेंट है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे. तो दोनों में से कोई एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मीटर में से सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर में से मीटर में, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेम ही क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जो भी मेजर दिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था. सो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 एंड 2 एक्सरसाइज 10.3 के. एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, इट्स ए, लेंथ कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है इधर 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. तो 3 × 4 = 12 square centimeter, और यू कैन से सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑल्सो, दोनों में से कुछ भी आप इधर लिख सकते हो. देन आफ्टर बी एंड सी, जिसमें सेम यूनिट है वो आपको होमवर्क में करना है. नाउ डी नंबर, उसमें लेंथ आपको दी है 2 मीटर, और ब्रेथ आपको दी है 70 सेंटीमीटर. तो मीटर में से हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों में से कोई एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर इज इक्वल टू 2 × 100 मीन्स 200 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ, इधर आपको अगर सेंटीमीटर में से इसको मीटर में करना है तो अभी आप कन्वर्ट इधर कर सकते हो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अभी लेंथ कौन सी हम यूज करेंगे, 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर. सो 2 × 7 = 14. आफ्टर दैट अभी काउंट करो, जीरो कितनी है, इतनी जीरो आपको लगा देनी है. तो 1, 2, 2 के पीछे है, 7 के पीछे 1 है, तो टोटल 3 0. सो 14,000 square centimeter. दिस वन इज योर आंसर. नाउ सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वेयर्स हुज साइड्स आर. फर्स्ट ए में आपको साइड का मेजर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, तो फॉर्मूला उसका आपको आता है अभी. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और यू कैन से हियर कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. दोनों में से जो भी फॉर्मूला आप लिखोगे वो आपका राइट रहेगा. सो इधर कितनी आपको साइड का मेजर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड का मेजर क्या होता है, सेम होता है. तो 10 × 10 = 100 square unit. दिस वन इज योर आंसर हियर. नाउ सेम मेथड का यूज करके आपको बी एंड सी होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी एंड सी. नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 rectangles आर एज गिवन बिलो. इधर आपको लेंथ एंड ब्रेथ आपको अलग अलग 3 rectangle का दिया है. ए में 9 meter एंड 6 meter, बी में 17 meter एंड 3 meter, सी में 4 meter एंड 14 meter. 3 जो रेक्टेंगल आपको दिए है उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो अभी नेक्स्ट हम रीड करते हैं आगे क्वेश्चन. विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वैसे ही लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके फाइंड आउट करो.
वैसे ही बी में फाइंड आउट करो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करो और लास्ट में आप एरो करके क्या लिखोगे, अगर ए का एरिया ज़्यादा मिलता है तो ए हैज लार्जेस्ट एरिया, अदरवाइज बी का मिलता है तो बी हैज लार्जेस्ट एरिया और सी का मिलता है तो सी हैज लार्जेस्ट एरिया। जिसका भी ज़्यादा एरिया मिलता है उसको आप क्या लिखोगे, दिस वन हैज लार्जेस्ट एरिया, और जिसका स्मॉलेस्ट मिलता है उसका आप क्या लिखोगे कि ए हैज स्मॉलेस्ट एरिया, बी का मिलता है तो बी हैज स्मॉलेस्ट, सी का मिलता है तो सी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस थर्ड नंबर इन योर होमवर्क। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू स्टार्ट इन योर अवर नेक्स्ट फ्रॉम अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।